हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, कई सारे सर्वे लेकर आए हैं आपके सामने, और ये भी देखेंगे कि उन सर्वे का लॉजिक कहाँ से है और क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग, बेसिकली टॉपिक ये है कि बिहार के पूरे देश के अंदर ओबीसी की राजनीति, पॉलिटिक्स और मुस्लिम दलित का कम्बिनेशन, ये दोनों ही इसी टॉपिक पर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, और कितना इफेक्टिव होगा बिहार के अंदर, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बिहार में पहला क्वेश्चन, ये सर्वे किया गया था, बिहार में कितने प्रतिशत दलित ओबीसी को पसंद करते हैं। इनमें से ज़्यादातर 70 लोगों ने कहा था, इसमें मिक्स है, ऐसा ही नहीं सिर्फ दलित लोग नहीं है, सब लोगों ने वोट किया था। इसमें मिक्स है कि 70% लोग ऐसे हैं जो कि बिहार कहा जा रहा है कि दलित पसंद करते हैं ओवैसी साहब को। अगला क्वेश्चन, एक और सर्वे में क्या था कि क्या ओवैसी दलित के लिए भी उतना ही आवाज़ उठाते हैं जितना मुस्लिम के लिए। आपने देखा होगा कि कई बार ओवैसी साहब सांसद के अंदर आवाज़ उठाते हुए मिलेंगे, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो देश के किसी भी कानून व्यवस्था को लेकर हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, इकोनॉमी हो, बेरोज़गारी हो, चाहे हेल्थ वाला इशू हो, तो कुछ भी लेकर हर जगह आवाज़ उठाते हैं। तो सवाल ये है, क्या दलित के लिए भी उतना ही आवाज़ उठाते हैं, जिसमें से 80% लोग कहते हैं कि हाँ, ये दलित और मुस्लिम के लिए और के लिए ही भी आवाज़ उतना ही उठाते हैं जितना मुस्लिम के लिए उठाते हैं, उतना दलित के लिए भी उठाते हैं, जिसमें से 20% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस सब ऐसे ही है, उतना नहीं करते जितना मुस्लिम के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या बिहार में दलित और अल्पसंख्यक को वोट करेंगे, क्या बिहार जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अल्पसंख्यक असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे, उसमें दलित भी है और मुस्लिम भी है, बेसिकली अल्पसंख्यक का मतलब ये है। तो उसमें कहा 55% लोगों ने कहा, हालांकि इसका परसेंटेज थोड़ा सा कम हो गया है, 55% लोगों ने कहा कि हाँ करेंगे, 45% लोगों ने कहा कि नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर 50-50 है कि आधे लोग कह रहे कि होगा, आधे लोग कह रहे कि नहीं भी होगा। तो ये सारी चीज़ें ये इसमें हैं। तो एक्चुअली है क्या, क्या सच में आवाज़ उठाते आ रहे हैं, ये थोड़ा सा कुछ आपको झलकियाँ दिखाते हैं। अब ये है, एक इंग्लिश आर्टिकल है, मॉब लिंचिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड दलित आर लिंक टू संघ परिवार। ओवैसी साहब ने स्टेटमेंट देकर कहा था कि मॉब लिंचिंग हो रहा है और वो मुसलमानों और दलितों का ही हो क्यों हो रहा है, ये सारा जो लिंक है वो संघ परिवार से लिंक है। इसका मतलब है कि दलित और मुस्लिम दोनों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आइए और चलते हैं, और इन्होंने क्या कहा कि ओवैसी भारत रत्न शोकर, हाउ मेनी मुस्लिम और दलित, दलित और मुस्लिम कितने लोगों ने भारत रत्न हासिल किया दलित और मुसलमानों में से बता दो। इसका मतलब दलित और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। आगे चल के इन्होंने कहा, यहाँ पर अगर हालात आते हैं तो दलित के साथ ये लोग मिलकर पॉलिटिक्स भी करना जानते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर हुआ था, ये आप देख सकते हैं उनका स्टेटमेंट। अगले चलते हैं हम लोग, इन द मिल्क ऑफ ओबीसीज एंड दलित मुस्लिम से हैव एडेड शुगर। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस सिर्फ केक खाना जानती है, वो शेयर करना नहीं चाहती किसी के साथ। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि दलित और मुस्लिम का वोट इस्तेमाल करते हैं कांग्रेस से। अगला इन्होंने दूसरी जगह कहा था कि मुस्लिम दलित है बिन बीजेपी एंड कांग्रेस इन यूज फॉर वोट्स। कहता है कि मुस्लिम और दलितों को सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी सिर्फ वोट बैंक बनाकर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, लूट रहे हैं। आगे और दूसरी जगह कहा है कि ओवैसी टेल्स दलित मुस्लिम टू रिजेक्ट नेशनल पार्टीज। बोलता है कि ओवैसी मुस्लिम और जो है नेशनल पार्टीज़ को अब रिजेक्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं कि दलित और मुस्लिम मस्ट कम टुगेदर, रिक्वेस्ट करते हुए भी कई बार नज़र आए हैं कि मुसलमानों को और दलितों को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि एक बेहतर फ्यूचर बना सके, क्योंकि दोनों का ही एक ही जैसा सिचुएशन और हालात है। आगे चलते हैं, और इंटरेस्टिंग बात, ये मुद्दा तब खड़ा हुआ था जब ये आपको देखने को मिलेगा, ये 6 केंद्रीय विद्यालय क्लास 6 का एक बच्चे का टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला। ये क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, सवाल ये था 6 क्लास का है, सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय दलित, ये कह रहे हैं सवाल, ये 6 क्लास का बच्चा है, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा है, उसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय दलित, क्वेश्चन पेपर है ये, वहाँ स्कूल का क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय दलित, दलित से आप क्या मतलब समझते हैं, फॉरनर है और भी वगैरह वगैरह। तो आप ऑप्शन में एक देख सकते हैं कि ऑप्शन में बी है अनटचेबल्स, यानी कि छुआछूत वाला बीमारी, हाँ ये मतलब ये अछूत है, ये छू नहीं सकते। तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर जब सेट किया था मुस्लिम और दलित के लिए, तब वैसे और भी भड़के थे और लोगों ने इनका कभी साथ भी दिया था। तो इस तरह से आवाज़ हमेशा उठाते आए हैं। हेड ऑफ बिहार असेंबली, इन्होंने कहा कि भीम आर्मी और वैसी जो है वो सब कुछ भुला कर यूनिटी, दलित मुस्लिम यूनिटी पर काम करेंगे, एक साथ आकर हम लोग खड़े रहेंगे, ये भी अच्छी बात है। और भी इन्होंने कहा है
बीजेपी आरएसएस वन दलित मुस्लिम मुक्त भारत, यह हम कहते आए हैं उसी अवेश साहब कि हम दलित बीजेपी और आरएसएस हमेशा चाहती है कि भारत के अंदर ना तो दलित रहे और ना ही मुस्लिम रहे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संसद के अंदर भी कई बार ये आवाज़ उठाते हुए आए हैं पार्लियामेंट के अंदर, जय श्री राम को लेकर जो मॉब लिंचिंग वगैरह हुआ है या ज़बरदस्ती जय श्री राम कहलवाना वगैरह वगैरह, इस तरह से हमेशा आवाज़ उठाते हुए आए हैं। कुल मिलाकर ये लेकर चलते हैं, ये एक्चुअली इनका खुद का स्टेटमेंट है ये कि मेरी जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सब के लिए है, वो दलित के लिए है, वो सिख के लिए, ईसाई के लिए है, हिंदुओं भाई के लिए भी है, उन तमाम लोगों के लिए जो पीड़ित है, जो सच का साथ देना चाहते हैं, जो हक की बात करना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए है। तो आप क्या कहते हैं इनके पार्टी के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।